हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीन्स की सूखी सब्जी बनाएंगे और बीन्स की सब्जी में हम ये सब सामग्रियाँ उसमें डालेंगे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये सब्जी बन करके तैयार होगी। तो सब्जी बनाने के लिए हमने आधा किलो बिल्कुल फ्रेश बीन्स लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दो गाजर, गाजर को छील करके अच्छे से धो लेंगे, और दो शिमला मिर्च, इसको भी धो करके अच्छे साफ कर लेंगे। हरा लहसुन की मात्रा आप देख सकते हैं, और हरा धनिया पत्ता भी आपकी मात्रा देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में रहेगा। 6 से 7 हरी मिर्च ऐड करेंगे, और हरे मिर्च, धनिया पत्ता और हरा लहसुन को पीस करके लास्ट में हम पेस्ट डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल में हम यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं कर सकते हैं। आधा चम्मच पचफोरन छौंक में डालेंगे और थोड़ा सा इसको लाल होने दें। इसके बाद हम गाजर डाल देंगे। गाजर का शेप आप देख सकते हैं, लंबी लंबी शेप में कटिंग करेंगे। इसको सर्व करते हैं तो ये इसका लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसलिए थोड़ा लंबे लंबे शेप में कटिंग करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको पका लें, और बिल्कुल पका इसको सेंटर में कर दें। सेंटर में तेल होता है जिससे कि सब्जी जल्दी पक जाती है। शिमला मिर्च ऐड कर दें, और शिमला मिर्च की कटिंग भी थोड़ी लंबी लंबी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको थोड़ा अच्छे से मिला लें। उसके बाद अब इसमें हम बीन्स डाल देंगे, और बीन्स की कटिंग भी बिल्कुल गाजर के शेप में होनी चाहिए, लंबी लंबी। 2 से 3 मिनट तक इसको भूज लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। हल्दी पाउडर डालेंगे 2 छोटी चम्मच। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लें। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लें, मिला लें। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लें और इसको भूज लें थोड़ी देर, आधे मिनट तक। भूजने के बाद इसको अब हम ढक देंगे 2 मिनट तक। गैस का फ्लेम लो कर ले और इसको ढक ले, थोड़ा सब्जी को नरम होने दें। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी जो है वो लगभग नरम हो चुकी है। अब इसको धीरे धीरे भूज ले, तो आप देख सकते हैं पक चुकी है लगभग। अब इसमें हम पिसा हुआ पेस्ट, जैसे कि आपने दिखाया था, हमने हरा लहसुन लिया था, धनिया पत्ता और हरी मिर्च, इसको पीस करके पेस्ट बना करके इसको लास्ट में ऐड करेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, आधे से 1 मिनट तक पकाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का, तो इस तरीके से बना के ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। तो सूखी सब्जी बनकर के हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको खाने के लिए हम सर्व कर देंगे। इसको रोटी के साथ खाइए, इसको चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, हर चीज़ के साथ बहुत टेस्टी लगता है। चाहे तो बच्चों को टिफिन में भी आप दे सकते हैं, सूखी सब्जी है ये, उसको अगर पराठे के साथ देंगे तो बच्चे खाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी है, जिसकी वजह से सब कोई खाएगा भी इसको। तो इसको ज़रूर से बना करके ट्राई करें, और कैसा लगे हमें बताइए, और पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।